कालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बड़े जटाधारी महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधीदेव महादेव काशी विश्वनाथ गढ़धामी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधीदेव महादेव की कृपा से जलगांव की पवित्र भूमि पर आप और हम पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। जिस भूमि पर हम बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा सुन रहे हैं, श्री बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बाहर की आवाज़ खोलो, बाहर की आवाज़, बड़े जटाधारी महादेव मंदिर बड़नगरी फाटा, कथा के मुख्य यजमान में श्री भरत नत्थू जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी, चौधरी परिवार एवं संपूर्ण जलगांव के रहनिवासी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार आवाज़ खुलवा भाई, सद्दूर की आवाज़ खोलिए, संपूर्ण जलगांव के नगरवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटी सी जिंदगी में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, आवाज़ नहीं जा रही है फिल्म पर भी, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना और इस मानव की देह को सार्थक करना, इस मनुष्य की देह को सार्थकता प्रदान करना। हमने कल भी कथा में वर्णन किया था, कल भी कथा में कहा था कि ये मानव का शरीर मिल जाना एक सरल विषय है, और मानव का शरीर मिल जाए उस शरीर के मिलने के बाद में भगवान की भक्ति हो जाए, ये सबसे कठिन काम है।
शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना, और उस शरीर के प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति हो जाना, ये बहुत कठिन है। जन्म तो संसार में होना ही है, अपने अपने कर्म को भोगने के बाद में, कर्म गति का भोग भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में आना ही है। आवाज नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज नहीं जा रही है। कर्म गति हम भोग लेंगे उस कर्मों को, और कर्मों को भोगने के बाद में फिर संसार सागर में हमारा जन्म होना ही है। मृत्यु लोक में हमें वापिस आना ही है। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक पृथ्वी, ये भूमि, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक एक ऐसा है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर कर 84 लाख योनियों के उस जाल से छूट सकते हैं। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम शिव को प्राप्त नहीं कर लेते, भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा जन्म और मरण, ये प्रपंच चलते रहना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच में हम घिरे रहना। पर जब हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने चित्त में उतार लेते हैं, फिर वापिस हमारा जन्म नहीं होता। कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की, कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला, और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना अपना व्यवहार जब तक कम रख, अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं।
और जैसे ही आपका व्यवहार आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलफ का गद्दा नहीं देता, एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है। जब आपकी गरीब परिस्थिति साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछा कर, एक गादी बिछा कर, एक दरी बिछा कर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलफ का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है सुनिए आके, जब डनलफ का गद्दा लग गया, अच्छा कम्बल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है, जब गादी है तब हमारे पास में नींद, जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई ना जन्मे। तकलीफें, कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है, ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना है। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिवजी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिवजी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो चाहे हंसकर काट लो, और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता,
तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है, काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे, अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर, मेहनत कर और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़े, आपको स्वयं कर्म करना पड़े। सीओर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सीओर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो देते रहो देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देव अधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव जी को एक लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना या तुम कुछ, ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ या सीओर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है एक लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है, तुम्हारा संघर्ष जरूरी है। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काम किसका है? उस अग्नि का जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है वो भोजन को पचाती रहती है, पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है, उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है, लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर
भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है वो जल तुम्हारे काम आएगा, वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे उस कष्ट को समाप्त कर देगा, तुम्हारी उस तकलीफ को समाप्त कर देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ कि सीहोर वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूँ, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं काम करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, ना मैं हाथ हिलाऊँगा, ना मैं पाँव हिलाऊँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं आऊँगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा, वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगुनी मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का 3 मंजिल का 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? जम के बोलो जरा। गाड़ी छोड़ी होगी वहाँ, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए होगे, क्योंकि गाड़ियाँ तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुँचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है। यह हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ी हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ,
इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले सब बोले अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा